व्हाट्सएप दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला इंस्टेंट मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है। इसे पूरी दुनिया में करीब 2 अरब से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स करीब 56 करोड़ हैं। 2014 में मेटा ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था। इससे पहले 2012 में एक कंपनी ने इंस्टाग्राम खरीदा था, जिससे आज कंपनी विज्ञापन के जरिए मोटी कमाई कर रही है। अब कंपनी की नज़र व्हाट्सएप पर है। मेटा व्हाट्सएप को मुनाफा वाला प्रोडक्ट बनाने की तैयारी में है। व्हाट्सएप कंपनी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाना वाला प्रोडक्ट है। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप भारत और ब्राज़ील में अपनी सर्विस को शुल्क आधारित करने की प्लानिंग कर रही है। वैसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुल्क आधारित चैटिंग सर्विस केवल व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए होगी, यानी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप से चैटिंग करने पर ही पैसे देने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप बिजनेस ऐप से ग्राहकों से चैटिंग करने के लिए प्रत्येक चैट के लिए कंपनियों को करीब 40 पैसे खर्च करने होंगे। कहा जा रहा है कि भारत में प्रत्येक दुकान पर व्हाट्सएप नंबर लिखे गए हैं। ऐसे में तमाम कंपनियां, दुकान और ब्रांड्स अपने ग्राहकों से व्हाट्सएप के जरिए जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। भारत में लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल ऊबर जैसी कंपनियों के कैब भी बुक करते हैं। लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट पर नेटफ्लिक्स के शोज और फिल्मों के सजेशन भी मिलते हैं। भारत में 50 करोड़ एक्टिव व्हाट्सएप यूजर्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने 90 लोगों की एक टीम बनाई है, जो व्हाट्सएप के रेवेन्यू मॉडल पर काम कर रहे हैं। इस टीम में मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग भी शामिल हैं। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप भारत और ब्राज़ील में अपनी सर्विस को शुल्क आधारित करने की प्लानिंग कर रही है। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुल्क आधारित चैटिंग सर्विस केवल व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए होगी, यानी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप से चैटिंग करने पर ही पैसे देने होंगे। आपको बता दें, व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। वहीं अगर मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है और आप ऐसे इलाके में हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो उस वक्त भी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। किसी भी मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाने के लिए मोबाइल पर एक OTP आता है, जिसे आपको व्हाट्सएप पर डालना होता है। इसके बाद ही आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी है, जिसमें व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए आप मोबाइल नंबर की जगह ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीटा वर्जन में एक स्क्रीनशॉट से अपकमिंग फीचर के बारे में मालूम चला है। ऐसा माना जाता है कि यूजर्स को व्हाट्सएप अकाउंट तक पहुँचने के लिए एक अन्य ऑप्शन दिया जाएगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।